को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ना एक झरोखा टाइप में बना हुआ है। ऊपर ये देख सकते हो, जैसे उस जमाने में मीना बाजार में ऐसा ही हुआ करता था। ये हमारी यहाँ से यहीं से एंट्री हुई थी हमारी, ठीक है। मुगल टोर्स पर भी जो है ना इसको थोड़ा तरसाया गया है डिजाइन का, तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो कि ये पूरा जो है लाखोरी ईट का जो है ना इसको तरसाया गया है, देख सकते हो आप। ये बादशाहों के जमाने का जो है ना इसको पूरा जो है वो तरसाया गया है, ये देख सकते हो। किलों में जो है ना इस तरीके से जो है ना वो मेहराब हुआ करता है, तो इस पर भी जो है ना वो मेहराब है, ठीक है। और झूमर जो है वो उस तरफ जो है वो लग, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है ना गाइस मैं आ गया हूँ फिर से चांदनी चौक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों एक मॉल खुला है जिसका नाम है ओमैक्स मॉल, जी दोस्तों। और इस एरिया में जो है ना गाइस एक भी मॉल नहीं था, और बताते हैं कि उस मॉल का जो लागत है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है ना दोस्तों अंदर से जो है उस मॉल का जो है वो पूरा फुल टूर जो है गाइस वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि वो जो है ना दोस्तों उस मॉल को जो बनाया गया है एक बादशाही तरीके से जो है ना उसको अंदर से जो है वो डिजाइन किया गया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी जो है दोस्तों मैं हूँ चाइना चौक यानी चांदनी चौक। इस तरफ देखोगे आप लाल किला है, इस साइड में जो है ना दोस्तों आप जाओगे तो वो है जामा मस्जिद, इस तरफ जाओगे तो वो है गुरुद्वारा, और यहाँ जो है ना सामने में देखोगे दोस्तों तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। ये दोस्तों ये अंग्रेजों के जमाने का है। यहाँ पर जो है ना गाइस चांदनी चौक है, ऐतिहासिक मार्केट है ये, तो ये भीड़ जो है ना वो बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ जो है ना वो गुरुद्वारा है, यानी गुरुद्वारा से जो है ना ये वाला जो रास्ता जाता है सीधे ना जा करके हमें इस तरफ चलना है, इधर जो है ओमैक्स मॉल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं इस तरफ दोस्तों। वो चाहे लाल किला हो, चांदनी चौक का मार्केट हो, या फिर गुरुद्वारा हो, या फिर फतेहपुरी मस्जिद हो, इन सब के ऊपर जो है ना मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लेना। मैं जो आया हूँ गाइज आप लोगों को दिखाने के लिए ओमैक्स मॉल, तो गाइज मैं वही दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना क्या खासियत है, क्योंकि इस एरिया में जो है ना गाइज मॉल नहीं था, दूर दूर जाना पड़ता था। यहाँ से जो है ना दोस्तों आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर है ना टॉयलेट बना हुआ है, कितना बेहतरीन, पहले ये चीज नहीं था, ठीक है। और यहाँ सामने जो है गाइज वो है ओमैक्स मॉल, यहाँ पर सामने देख रहे होंगे आप दोस्तों। आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना, पहले यहाँ पर जो है वो मार्केट लगा करता था, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पहले यहाँ पर जो है ना बस वगैरह लगा करता था, ऑटो वगैरह जो है वो यहाँ पर लगा करता था। लेकिन अब जो है दोस्तों देख रहे हो कि कितना बेहतरीन जो है दोस्तों ये मॉल बन चुका है, वाकई में जो है ना बहुत बेहतरीन जो है वो कर दिया है। पहले यहाँ पर कैसा व्यू हुआ करता था, ये देख सकते हो बस वगैरह लगा करता था, लेकिन अब जो है गाइज इतना बेहतरीन बना दिया गया है कि मैं बता नहीं सकता, आप ये देख सकते हो दोस्तों। यहाँ से जो है ना वो एंट्री होती है, यहाँ पर जो है वो पहले चेकिंग होगी यहाँ। okay, हमारे आसिफ भाई हमें मिल गए यहाँ पर, और ये हमारे सर है, यूट्यूबर है ये। तो गाइस हम जो है अबरार भाई के हजारों फॉलोवर्स में से एक है, ये दो है, तो हजार फॉलोवर्स में से दो फॉलोवर्स इनको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गए इनके पीछे। आपको आज के वीडियो में जो अबरार भाई जैसा कंटेंट डालते हैं हिस्ट्री का, उससे थोड़ा हटके मिलेगा, लेकिन ये भी हिस्टोरिकल प्लेस ही है। आप इस समय चांदनी चौक में हैं, और चांदनी चौक अपने आप में मुगल शहजादी के लिए शाहजहां द्वारा पूरी ये मार्केट बनाई गई थी, लेकिन इस मार्केट के बीच में नए जमाने की आपको ये मॉल जो कि इनके चैनल पर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आसिफ भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पुराने जमाने की मार्केट में नए जमाने का ये मॉल हम आपको घुमाने वाले हैं, और अबरार भाई फुल एक्सप्लोर करेंगे ये मॉल, तो जल्दी से चलो करते हैं। दोस्तों हम जो है मॉल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों वो कालियान ज्वेलर्स, इसका एड जो है वो अमिताभ बच्चन ही करते हैं, ये देख सकते हो आप। ऑसम, बेहतरीन, ये है दोस्तों डिजाइनर। एक्चुअली मैं काम में इसी का करता हूँ, ठीक है, ये सारे डिजाइनर है, मेरा जो काम है वो इसी लाइन का है, पार्ट टाइम में मैं यूट्यूब का काम करता हूँ। बहुत बेहतरीन डिजाइनर को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ना एक झरोखा टाइप में बना हुआ है, ऊपर ये देख सकते हो, जैसे उस जमाने में मीना बाजार में ऐसा ही हुआ करता था, ठीक है। यानी ये जो डिजाइन है ना तरसाता है मुगल काल का, ये आगे भी इस तरफ आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर जो है मुगल काल का जो है ना वो तरसाया गया है। यहाँ पर जो है रानी जैसे बैठे, चारों तरफ जो है वो दरबारी बैठे,
यानी इसको ऐसा कह लो कि दीवाने आम, ऐसा कह लो कि ये दीवाने आम है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन जो है वो बनाया गया है। ये सामने यहाँ देखोगे आप, मैं ऊपर भी चल के मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसकी स्ट्रक्चर ऊपर जो है ना दिखा दो आप, ये पूरा जो है ना मुगल तर्ज में जो है इसको पूरा तरसाया गया है। काफी बेहतरीन जो है इसका डिजाइन किया गया है, पहले के जमाने को जो है ना इस जमाने में जो है ना वो डिजाइन किया गया है। आइए, इस मॉल का जो है वो डिजाइन है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा ही जो है ये मॉल जो है ना वो पूरा बनेगा। सकते हो आप कितना बेहतरीन जो है वो बनाया गया है पूरा। ये सामने का है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, एंटर करके ये एंट्री हुई थी हमारी, यहाँ से यहीं से एंट्री हुई थी हमारी, ठीक है। ये पूरा डिजाइन है वोमेक्स मॉल का। तो दोस्तों ये है झरोका व्यू जो है वो बहुत बेहतरीन है, देख सकते हो आप यहाँ से व्यू कितना बेहतरीन आ रहा है, जबरदस्त। इधर से भी जो है ना गाइज इसका डिजाइन देख सकते हो आप, कितना बेहतरीन जो है वो बनाया गया है। ये देखो आप डिजाइन, ऑसम बेहतरीन। दोस्तों ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा रेस्टोरेंट का है, यहाँ पर आप देखोगे गाइज कि पूरा जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है, ठीक है। आप यहाँ फैमिली के साथ बैठ करके जो है यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है कम से कम 5 हॉल है, 5 हॉल है, पहला ऐसा मॉल है जिसके अंदर 5 हॉल है। ये जो है ना गाइस कितना बेहतरीन जो है वो लग रहा है, ये देख सकते हो आप, काफी बेहतरीन जो है इसको बनाया गया है, काफी अंदर तक है गाइस। तो मैं आप लोगों को जो है थोड़ा अंदर भी लेकर के चलता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना गाइस मैं आप लोगों को इधर लेकर के चलता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों डिजाइन इसका कितना बेहतरीन है। काफी बढ़िया रेस्टोरेंट जो है वो बना रखा है, ये देख सकते हो आप झूमर वगैरह। गाइज ये जो मॉल है ना वो काफी बेहतरीन और काफी खूबसूरत जो है 120 करोड़ के लागत में जो है ना गाइज ये मॉल बना है, ठीक है। और अभी जो है गाइज वो शुरुआत है, यहाँ पर जो है ना कुछ फंक्शन वगैरह भी होते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट वगैरह करना हो। मॉल के अंदर जो है गाइज एंट्री तो अभी के टाइम पे जो है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आने वाले समय की जो है ना वो हम बात नहीं कह सकते हैं कि शायद एंट्री भी जो है ना वो चार्ज लगने लगे, क्योंकि भीड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बताया था वीडियो के शुरू में कि ये मुगल तौर पर भी जो है ना इसको थोड़ा तरसाया गया है डिज़ाइन का, तो ये देख सकते हो आप, मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस में जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो यहाँ भी देख सकते हो आप पूरा जो है ये मुगल के तर्ज पर जो है ना इसको जो है पूरा बनाया गया है, ये देख सकते हो आप दोस्तों, ठीक है। और उस जमाने का पत्थर तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये तरसाया गया है लाल बलुआ के पत्थर का, ये देख सकते हो आप पूरा, ठीक है। सारे किला जो है वो लाखोरी ईंट से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो है ना ये दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो है लाखोरी ईंट का जो है ना इसको तरसाया गया है, ये देख सकते हो आप लाखोरी ईंट का, देख रहे हो ना ये पूरा जो है लाखोरी ईंट का जो है वो तरसाया गया है। लकड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये लकड़ी का डिजाइन भी जमाने की तरह जो है ना इसको जो है पूरा तरसाया गया है, ठीक है। तो मुगल्स के तौर पर ही जो है दोस्तों इसको जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, पहले जमाने का डिजाइन जो है इसको दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों लाखोरी ईंट के तर्ज पर जो है इसको जो है वो पूरा बनाया गया है, ये देख सकते हो। बैठने का जो सिस्टम है वो लकड़ी का दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद में फील ऐसा करे लोग कि बादशाहों के जमाने में जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। एक डिजाइन और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो दोस्तों, ये देख रहे हो आप, अब इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि बादशाहों के जमाने का इसी तरीके से जो है वो बनता था, ठीक है। और जहां पर झूमर लगा हुआ है तो उसके डिजाइन का भी जो है ना मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो आप वहां। उस तरफ जो है दोस्तों अलग डिजाइन था, और इस तरफ जो है ना दोस्तों वो थोड़ा अलग डिजाइन है, देखो ये देखो इसके जो दीवारें हैं जो मीनार है वो एक अलग तरीके से बनाया गया है, ये देख सकते हो आप यहाँ इतना बेहतरीन है ना। इसकी डिजाइन है आप देख सकते हो इस तरीके से जो है ना बनाया है। ऑसम बेहतरीन। तो दोस्तों इधर का जो है डिजाइन भी अलग है, झूमर भी अलग है, ठीक है, कलर्स भी अलग है,
तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में जो है ना सब चीजें जो है वो अलग अलग बनाया गया। ये जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गुरुद्वारा, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ये चांदनी चौक का जो है ना ये रोड है। और ये जो नीचे देख रहे हो दोस्तों ये तो अंग्रेजों के जमाने का कार लग रहा है भाई। यहाँ से जो है ना दोस्तों इसका व्यू जो है वो आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन और औसम लग रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने उस तरफ से आप लोगों को दिखाया कि इस तरफ जो है वो लाल बलुआ का पत्थर है। ये जो देख रहे हो दोस्तों ये बादशाहों के जमाने का जो है ना इसको पूरा जो है वो तरसाया गया है, ये देख सकते हो आप। और ज्यादातर किलों में जो है ना इस तरीके से जो है ना वो मेहराब हुआ करता है, तो इस पर भी जो है ना वो मेहराब है, ठीक है। और झूमर जो है वो उस तरफ जो है वो लगे हुए हैं, तो काफी बेहतरीन औसम जबरदस्त बनाया गया है इस मॉल को, ठीक है। तो गाइज ये था पूरे इस ओमेक्स मॉल का जो है ना पूरा फुल टूर जो है वो मैंने करा दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ है, चांदनी चौक पर है, बहुत इजीली जो है ना आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो लाल किला भी आप आ सकते हो, चांदनी चौक भी आप आ सकते हो, जामा मस्जिद भी आप आ सकते हो, कहीं के भी मेट्रो से आप यहाँ पर जो है ना गाइज विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये ब्लॉग जो है गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।